हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं मास मीडिया एंड सोसाइटी के बारे में, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन यूनिट का। कि वन बाय वन करके हमने सभी टॉपिक डिस्कस करे, कम्युनिकेशन का मीनिंग, टाइप्स, फीचर डिस्कस कर दिया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वर्बल, नॉन वर्बल, क्लासरूम कम्युनिकेशन डिस्कस किया, बैरियर्स भी हमने डिस्कस कर लिया, और मास मीडिया एंड सोसाइटी, दिस इज द लास्ट टॉपिक। देन हमारी जो ये यूनिट फोर्थ है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट द लास्ट टॉपिक, दैट इज मास मीडिया एंड सोसाइटी ऑफ दिस यूनिट। ठीक है, मास मीडिया का मतलब क्या होता है? मास मीडिया का मतलब होता है कि जो कि हम टूल यूज कर रहे हैं अपने मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द मास मीडिया। मास का मतलब क्या होता है कि जो हम लार्ज ऑडियंस को अपना मैसेज देना चाह रहे हैं, जो ऑडियंस है वो कितनी है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट, मास मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं लार्ज मासेस के साथ, लार्ज ऑडियंस के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो चाहे रिटन फॉर्म में हो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मास मीडिया। मीडिया के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? इंटरनेट, बुक, मैगजीन्स, टीवी, रेडियो, यूट्यूब, न्यूज़पेपर, ये सारे के सारे क्या है, मीडिया है। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन जो कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं थ्रू द मीडिया। मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया में तो क्या होता है कि हम जो टूल यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, उसको तो हम बोलते हैं मास मीडिया। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, उसमें क्या होता है कि हम प्रोसेस करते हैं जो कि कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो, मासेस के थ्रू हो, मीन्स इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं ऑन ए लार्ज स्केल टू द वाइड रेंज ऑफ द पीपल, उसको हम क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन। जैसे आप एग्जाम्पल समझो कि जैसे अब हम न्यूज देख रहे हैं, न्यूज जो न्यूज हमारे पास आ रही है वो तो मास कम्युनिकेशन है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, मास मीडिया के थ्रू होता है। ठीक है, जो टीवी है, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, ये क्या है, टूल है, तो इसको बोलेंगे मास मीडिया। और जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके हमारे पास आ रही है, मींस मास कम्युनिकेशन किसके थ्रू किया जाता है, मास मीडिया के थ्रू किया जाता है, तो न्यूज है वो क्या है, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो मास मीडिया है उसके अंदर पहले के टाइम पे क्या होता था कि ये लोग ज्यादातर रेडियो सुनते थे। ठीक है, इंफॉर्मेशन सुनने के लिए, उसके इंफॉर्मेशन के लिए सारे के सारे लोग क्या करते थे, रेडियो को सुनते थे, या न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है उसको देखते थे। ठीक है, एंड ऐसे करते थे, मॉर्निंग नोट की न्यूज़पेपर लिया और साथ में कप ऑफ टी ली, एंड देन इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड की ली सारी के सारे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया कि कई सारी मीडियाज आ गए हैं जिसमें हमारे को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, टीवी है, फिल्म्स है, डॉक्यूमेंट्री है, बुक्स है, मैगजीन्स है, कई सारे हमारे पास मीडिया अवेलेबल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, एंड जैसे कि अब आजकल क्या हो गया, चिल्ड्रन के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल कार्टून वाले चैनल्स आ गए हैं, डिस्कवरी किड्स आ गए हैं। ठीक है, इस टाइप्स के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मास मीडिया है वो कितने टाइप्स का होता है, 6 टाइप्स का है, 6 टाइप्स का है, ट्रेडिशनल, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग, आउटडोर मीडिया, ट्रांजिट मीडिया, डिजिटल और न्यू मीडिया। फर्स्ट, ट्रेडिशनल मीडिया कौन सा होता है, जिसमें ओल्डेस्ट फॉर्म है मीडिया के। ठीक है, जैसे कि पहले क्या होता था कि टीवी वगैरह नहीं होते थे, तो नौटंकी या नाटक के थ्रू हम लोगों को समझाते थे। नेक्स्ट, पपेट शो या कठपुतली का जो शो होता था वो भी क्या था, ट्रेडिशनल मीडिया था। ठीक है, उसमें कई सारी चीजें इंक्लूड है, जैसे फोक सॉन्ग, म्यूजिक, थिएटर, ड्रामा, फेयर एंड फेस्टिवल, ये सारा का सारा क्या है, ट्रेडिशनल मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या होता है, जो हम लार्ज ऑडियंस तक प्रिंट फॉर्म में इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंट मीडिया। सॉरी, जैसे जो प्रिंटेड मैटर में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंट मीडिया। अब कई सारे टाइप्स है प्रिंट मीडिया के, जैसे न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, जर्नल है, बुक्स है, नॉवेल्स है या कॉमिक्स है, ये सारे सारे क्या है, प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के अंदर क्या होता है, जो भी कंटेंट है या इंफॉर्मेशन है वो कैसे होता है, ऑडियो और विजुअल दोनों होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। कौन कौन से हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर ऐप, ट्रेडिशनल टेलीफोन, टीवी, रेडियो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। अब बात करते हैं आउटडोर मीडिया या आउट ऑफ होम मीडिया भी बोलते हैं इसको, हम आउट ऑफ होम मीडिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब पब्लिक बाहर जाती है और तब उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटडोर मीडिया। ठीक है, जब इंफॉर्मेशन उनको नए प्रोडक्ट की मिलती है या कोई एड देखते हैं और घर से बाहर जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ होम मीडिया।
ठीक है। नेक्स्ट है, कई सारे टाइप्स हो सकते हैं आउटडोर मीडिया के, जैसे पोस्टर लगा हुआ है, हम घर से बाहर गए, हमने देखा पोस्टर है या बैनर है कुछ लगा हुआ है और हमने उसको रीड किया, तो वो क्या है? आउटडोर मीडिया, हमने उसको देखा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजिट मीडिया, जैसे कई बार हम जाते हैं ऑटो वगैरह पे जा रहे हैं या बस पे जा रहे हैं, तो उनके ऊपर ना पैम्पलेट से लगे हुए होते हैं, ठीक है, तो वो क्या, जो एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले हो रही होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिट मीडिया, जैसे कि बस के थ्रू, टैक्सी, रेल, ये क्या है? ट्रांजिट मीडिया। डिजिटल मीडिया को हम न्यू मीडिया भी बोलते हैं और ये टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो मीडिया होता है वो ग्राफिक फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट में, ऑडियो में एंड वीडियो में भी, ठीक है। तो ये जो मीडिया है इसमें क्या होता है कि इंक्रीजिंगली गेटिंग पॉपुलर मीडिया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन ड्यू टू द ईज ऑफ द एक्सेसिबिलिटी विद द कंप्यूटर एंड नेटवर्क कनेक्शन, ठीक है। ये डिजिटल मीडिया या न्यू मीडिया भी बोलते हैं। क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं डिजिटल मीडिया के अंदर? ईमेल, वेबसाइट, ब्लॉगिंग, ई फॉर्म, ई बुक्स, कंप्यूटर एनिमेशन, डिजिटल वीडियो या ई कॉमर्स, ये सभी चीजें इंक्लूड होती हैं। अब हम देखते हैं फंक्शंस क्या क्या होते हैं मास कम्युनिकेशन के। फर्स्ट इज द इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। जो मास कम्युनिकेशन है हमारी डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर हमारे को देखना है कि कल का मौसम कैसा होगा या करंट अफेयर्स देखने हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज देखनी है, तब भी हम क्या करते हैं, नेट का वो लेते हैं, हेल्प लेते हैं, ठीक है। मास मीडिया फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जैसे कि ज्ञान दर्शन एक चैनल चल रहा है दूरदर्शन के ऊपर जो कि इग्नू के थ्रू है, ठीक है। ज्ञानवाणी है, वो एक एफएम रेडियो स्टेशन है जो हमें प्रोवाइड करता है एजुकेशन से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट कल्चरल ट्रांसमिशन, ये भी फंक्शन हो सकता है मीडिया के थ्रू। हम क्या कर रहे हैं कि जो कल्चर है हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, जैसे आजकल हम क्या कर रहे हैं वेस्टर्न को ज्यादा अडोप्ट कर रहे हैं, जैसे पहले फर्टिलाइजर्स कोई नहीं डालता था, आजकल सभी फर्टिलाइजर्स जो डालते हैं वो क्या मानते हैं, ट्रेंड है। तो इससे क्या हो रहा है, कल्चर ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज द एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में क्या होता है कि जो मीडिया है, कई बार हम क्या होता है कि स्ट्रेस हो जाता है हमारी लाइफ में, तो हम क्या करते हैं गेम वगैरह खेल के हमारा स्ट्रेस है वो रिमूव कर लेते हैं। सर्वीलियंस ऑफ द एनवायरमेंट। सर्वीलियंस में क्या होता है कि सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं मास कम्युनिकेशन, उसके बाद उसको क्या करता है, इन्फॉर्म करता है, ठीक है। और कुछ भी जैसे पहले से अनाउंस कर देता है, वार्निंग होती है तो वार्निंग दे देते हैं, जैसे कि थ्रेट फ्रॉम द टेररिज्म, तो ये क्या है कि सर्वीलियंस ऑक्योर हो गया, ठीक है, ऑब्जर्व एंड इन्फॉर्म। नेक्स्ट सोशलाइजेशन, ये भी क्या है, मीडिया की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, सोशलाइज होते हैं, ये भी क्या है, फंक्शन है किसका, मास कम्युनिकेशन का। और इसका एक मॉडल है, इसको मास मीडिया मॉडल को हम अटेंशन गेनिंग मॉडल भी बोलते हैं। तीन मॉडल है इसके, ट्रांसमिशन, एक्सप्रेशन और अटेंशन गेनिंग मॉडल, ठीक है। ट्रांसमिशन मॉडल में क्या होता है कि जो सेंडर है वो क्या करता है, मीनिंग को ट्रांसफर करता है। रिसीवर ओरिएंटेशन में क्या होता है, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग होती है। एक्सप्रेशन और रिचुअल मॉडल, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द अटेंशन गेनिंग मॉडल, ये तीन मॉडल है। उसके बाद हमने डिस्कस किया थ्योरीज। थ्योरीज में फर्स्ट है मैजिक बुलेट थ्योरी, इसका दूसरा नाम हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी भी हम बोलते हैं, ठीक है। एंड मैजिक बुलेट थ्योरी में क्या होता है कि हम ऑटोमेटिकली जो हम खुद सोच रहे हैं वही दूसरे पर्सन को भी रियलाइज करवा देते हैं, तो वो क्या है, मैजिक बुलेट थ्योरी। कल्टीवेशन थ्योरी में क्या होता है कि जो ज्यादातर पीपल है वो स्पेंड करते हैं कि टेलीविजन जो टीवी जो जितना बता रहा है उसी को रियलिटी मानने लग जाते हैं। जैसे बच्चे हैं कार्टून देखते रहते हैं, तो उसमें दिखा देते हैं कि जो कार्टून में भी कि एनिमल है वो उनके फ्रेंड है, क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है, नहीं होता ना, तो वो उनको हार्म भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, कल्टीवेशन थ्योरी है, मतलब ज्यादा टीवी देखते हैं और फिर जो माइंड है वो भी वैसा ही सेट हो जाता है, ठीक है। एजेंडा सेटिंग थ्योरी, इसमें भी क्या है कि जो मीडिया का इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर, ठीक है। और कई टाइप की एजेंसीज हैं, जैसे मीडिया एजेंडा, पब्लिक एजेंडा और पॉलिसी एजेंडा। मीडिया एजेंडा कब पब्लिक एजेंडा बन जाता है, जैसे कि बहुत बार एक ही न्यूज दिखाई जा रही है, तो मीडिया एजेंडा है वो क्या बन जाएगा, पब्लिक एजेंडा बन जाएगा। और मीडिया कब ज्यादा सक्सेसफुल होगी, और मीडिया का काम क्या होता है कि वो सिर्फ यही काम होता है ना कि आप सोचो हमने आपको न्यूज दे दी, लेकिन आजकल की जो मीडिया वो ये बताना चाहती है कि आपने सोचना भी क्या है। ये क्या है, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। नेक्स्ट ऑथोरिटेरियन थ्योरी, ये क्या है कि तानाशाह वाली, कि इसमें क्या होता है कि जो सब कुछ होता है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होता है। नेक्स्ट फ्री प्रेस थ्योरी, वो कैसी थ्योरी है, आजादी है, इसमें कुछ भी कोई भी करे कोई पूछता नहीं है, फ्री प्रेस थ्योरी है।
ठीक है, ये सभी के सभी किसके बारे में था, मास मीडिया एंड सोसाइटी के बारे में था, जिसमें हमने मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन में डिफरेंस किया। मास मीडिया का मतलब क्या होता है कि जो हम टूल यूज कर रहे हैं जैसे इंटरनेट, यूट्यूब, अन अकेडमी, ये सारे के सारे क्या है, मास मीडिया है। लेकिन जो हम चीज इंफॉर्मेशन प्रोसेस होकर आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन। जैसे न्यूज का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, ये क्या है, मास कम्युनिकेशन है। और उसके बाद हमने टाइप्स डिस्कस करी मीडिया की, एंड आफ्टर दैट हमने फंक्शन डिस्कस किया एंड थ्योरी डिस्कस की मास मीडिया एंड सोसाइटी की। नया टॉपिक ऐड हुआ है तो इसमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है, तो इसको अच्छे से रीड कर लेना एक बार। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट लेसन गाइस। जो हमारा टॉपिक है ये कम्प्लीट हो गया, यूनिट है जो पेपर वन की कम्युनिकेशन की वो हमने कम्प्लीट कर ली, ठीक है। एंड जो पीडीएफ वगैरह के लिए आप मेरे से टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, श्री राम लर्निंग के नेम से है। एंड अनअकैडमी पे भी मेरी कई कोर्सेज आप ले सकते हो, जो फ्री कोर्सेज भी अपलोडेड हैं और ऑल्सो स्पेशल क्लासेस भी अवेलेबल हैं, ठीक है, तो वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड सी यू नेक्स्ट लेसन, सी यू नेक्स्ट क्लास एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।